मिहिर ने जैसे ही दरवाजा खोला, आलिया काफी अच्छी ड्रेस पहनकर एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में कुछ पैकेट्स पकड़कर खड़ी थी। मिहिर ने जैसे ही अपने सामने आलिया को खड़ा देखा, उसको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ और उसने अपनी आंखें बंद करके दोबारा अपने सिर को हिलाया और धीमी आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? अभी तो मैं वाइफी से बात कर रहा था और अब वो मुझे मेरे सामने नजर आ रही है, ये चक्कर क्या है यार? मिहिर की बात सुनकर आलिया ने कॉल कट किया और अपने पर्स में रखते हुए कहा, मैं तुम्हें नजर ही नहीं आ रही क्या मिस्टर मिहिर? मैं यहां पर हूं, क्या हुआ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? इतना बोलकर आलिया मिहिर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मिहिर ने तुरंत अपना फोन जेब में रखा और जल्दी से आलिया को गले लगाते हुए कहा, वाइफी तुम सच में यहां पर हो? मिहिर को इतना ज्यादा खुश होते हुए देखकर आलिया ने भी उसको गले लगाया और कुछ देर बाद उसको खुद से दूर करते हुए कहा, हाँ हाँ मैं यहां पर हूं, अब चलो ना, छोड़ो मुझे और अंदर आने दो। मिहिर ने आलिया की बात सुनी और तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लाने लगा और तभी आलिया ने कहा, इतनी दूर से मैं आई हूं और तुम हो कि मेरा सामान उठाने में भी मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो। मिहिर ने जैसे ही आलिया की बात सुनी, उसने तुरंत आलिया के हाथ से वो सारे बैग्स ले लिए और कहा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो तुम्हें देखकर एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गया था, वैसे क्या है इन बैग्स में यार? आलिया ने अंदर की तरफ आकर सोफे पर बड़े आराम से बैठकर मिहिर की तरफ देखा और उसे ताना मारते हुए कहा, वो क्या है ना, आज न्यू ईयर है तो मैंने सोचा क्यों ना डिनर में सी फूड, फ्राइड चिकन और डिजर्ट में ब्राउनी केक खाया जाए, इसलिए मैं न्यू ईयर की स्पेशल प्लेट्स पैक करवा कर लाई हूँ। मिहिर ने आलिया की बात सुनकर तुरंत उस खाने के बैग को टेबल पर रखा और आलिया के पास आकर बैठा। तभी आलिया ने मिहिर की तरफ देखकर ना में सिर हिलाते हुए कहा, वैसे तुम्हारा वो टेस्टी खाना कहाँ है? वो तुमने क्या कहा था? हाँ, सी फूड, चिकन फ्राइज और आइसक्रीम, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा यार। मिहिर अभी तक फोन पर आलिया से जितनी भी शेखी बगार रहा था। आलिया ने उन सबको सोचकर मिहिर को छेड़ते हुए कहा और तभी आलिया की नजर मिहिर के इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट पर पड़ी और उस पैकेट को उठाकर उसने उसकी तरफ दिखाते हुए कहा, ये है तुम्हारा चिकन और फिश? आलिया मिहिर को चिढ़ा रही थी और मिहिर ने पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर आलिया के हाथ से नूडल का पैकेट लेकर कहा, हाँ हाँ तो ये देखो ना, शायद तुमने ठीक से देखा नहीं वाइफी, इस नूडल का फ्लेवर चिकन फ्लेवर ही तो है। इतना बोलकर मिहिर हंसने लगा और उसको हंसते हुए देखकर आलिया भी मुस्कुराने लगी। आलिया को मुस्कुराते हुए देखकर मिहिर ने उसका हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से उससे पूछा, वैसे वाइफी तुम तो दिल्ली में थी ना, फिर तुमने वहां न्यू ईयर सेलिब्रेट क्यों नहीं किया और तुम आज ही यहां क्यों आई, वो भी अकेले? तुम्हारा दिल्ली में मन नहीं लग रहा था क्या मेरे बिना? तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, है ना? आलिया ने मिहिर की बात सुनकर बड़ी लापरवाही से बोलते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी तभी यहां वापस आऊंगी, और वैसे भी वापस तो मुझे आना ही था, इसलिए तुम खुद को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। मैं तो अखिल के बारे में सोचकर आई हूँ, वो बेचारा कब से मूनलाइट होटल अकेले देख रहा है, आखिर मैं कब तक छुट्टियां मनाती रहूंगी। मिहिर जानता ही था कि आलिया उसे बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए वो उसे न्यू ईयर का सरप्राइज देने के लिए इतनी दूर से आई है, लेकिन वो कभी ये बात बोलेगी नहीं, इसलिए मिहिर ने उसकी बात सुनकर सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और उससे ज्यादा बहस नहीं की। मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके ओके, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है, मैंने मान लिया कि तुम अखिल के लिए और अपने काम की वजह से वापस आई हो, बस अब खुश? आलिया ने मिहिर की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। मिहिर आलिया को बड़े प्यार से देखते ही जा रहा था और तभी आलिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो मिहिर, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? आलिया की बात सुनकर मिहिर ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाया। आलिया ने मिहिर की तरफ देखकर कहा, तो फिर चलो खाना गर्म है, खाना खाते, वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं तुम्हारे ये चिकन फ्लेवर वाले इंस्टेंट नूडल्स तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती। मिहिर ने आलिया की बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे से उठाया और कहा, हाँ तो मेरी प्यारी वाइफी को इंस्टेंट नूडल्स खाने की कोई जरूरत भी नहीं है, तुम जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक खाना निकालता हूँ। मिहिर टेबल के पास गया और आलिया जितने भी बैग्स लाई थी उन सबको खोलकर मिहिर ने खाना टेबल पर रखा और आलिया फ्रेश होने के लिए रूम में चली गई। दूसरी ओर धरा ऋषभ के साथ कमरे में थी और तभी कमरे के बाहर किसी की आहट सुनाई दी। उस आहट को सुनकर धरा और ऋषभ दोनों हड़बड़ा गए। तभी ऋषभ जल्दी से बेड से उठा और बाहर की तरफ देखने गया कि कौन है। धरा भी ऋषभ के पीछे पीछे आई और बोली, क्या वो ऋषभ कौन है? ऋषभ ने जब कमरे के बाहर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया।
उसने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं कौन था, मुझे लग रहा है शायद हवा की वजह से कोई आवाज हुई, क्योंकि मम्मी और दादी तो नीचे बैठे हैं और घर में तो कोई और है नहीं। ऋषभ अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ा था, तभी धरा की नजर ऋषभ के स्टडी टेबल पर रखी एक बुक पर गई। धरा उस बुक को उठाकर देखते हुए बोली, ड्राइंग बुक? ऋषभ, तुम्हें ड्राइंग करने का शौक है क्या? धरा की बात सुनकर ऋषभ वापस कमरे में आया और तुरंत धरा के हाथ से उस बुक को वापस लेते हुए बोला, नहीं, ये ड्राइंग बुक नहीं है बाबू, ये स्केच बुक है, मैं ड्राइंग नहीं स्केचिंग करता हूं। धरा ने स्केचिंग बुक के आगे के दो ही पन्ने देखे थे और वो सच में बहुत ज्यादा अच्छे थे। धरा ने इस तरह से ऋषभ को अपने हाथ से बुक वापस लेते देखकर कहा, अरे ऋषभ, तुमने मेरे हाथ से बुक वापस क्यों ले ली, मैं उसे देख रही थी। ऋषभ ने स्केच बुक को अपने पीछे छिपाते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी स्केचिंग किसी को दिखाता नहीं हूं धरा। ऋषभ की ये बात सुनकर धरा गुस्से से उसको घूरते हुए बोली, किसी को नहीं दिखाते तो मत दिखाना, लेकिन मुझे तो दिखाओ ना, मैं तो तुम्हारी। धरा बोलते बोलते चुप हो गई और तभी ऋषभ ने कहा, हाँ हाँ बोलो, आगे बोलो ना। ऋषभ धरा को परेशान कर रहा था और तभी धरा ने कहा, सच में तुम मुझे नहीं दिखाओगे, ऐसा क्या है उसमें? धरा को इस तरह से बोलते देखकर ऋषभ ने धरा के कान के पास आकर कहा, अभी नहीं, जब तुम मिसेज ऋषभ बन जाओगी तब मैं तुम्हें यह बुक दिखाऊंगा। पहले तो ऋषभ की बात सुनकर धरा बिल्कुल सकपका गई, लेकिन फिर जब धरा को उसकी बात समझ में आई तो उसने शर्माते हुए कहा, अच्छा तुम टॉपिक मत चेंज करो, मुझे वो बुक अभी देखनी है। ऋषभ ने धरा की तरफ देखकर ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दिखाऊंगा, और धरा ऋषभ के हाथ से वो बुक छीनने लगी। ऋषभ बुक लेकर पूरे कमरे में भाग रहा था, धरा भी ऋषभ के पीछे पीछे भागी और ऋषभ ने धरा को वो स्केचबुक नहीं दी तो धरा चुपचाप बेड पर बैठ गई और धरा बिल्कुल उदास हो गई। ऋषभ ने जब धरा को इस तरह उदास होते हुए देखा तो वो चुपचाप उसके बगल में आके बैठा और बड़े प्यार से उसका कंधा पकड़ा और उसे साइड हग करते हुए कहा, क्या हुआ मेरा बाबू, गुस्सा हो गया क्या? धरा ऋषभ की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी और चुपचाप उसी तरह बैठी थी। जब ऋषभ ने देखा कि धरा उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है तो उसने स्केच बुक धरा के हाथ में देते हुए कहा, अच्छा ये लो देख लो, लेकिन प्रॉमिस करो तो मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी। ऋषभ ने जैसे ही धरा के हाथ में वो स्केच बुक रखी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने कहा, ओके पक्का प्रॉमिस, नहीं उड़ाऊंगी कोई मजाक। जैसे ही धरा ने उसके हाथ से उस बुक को लेकर खोलना शुरू किया, ऋषभ वहां से उठकर जाने लगा। तभी धरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम कहां जा रहे हो, बैठो ना मेरे साथ। ऋषभ धरा की बात मानकर वहीं बैठ गया। धरा ने ऋषभ की वो स्केच बुक के आगे के कुछ पन्ने खोले और उसकी स्केच बुक को देखकर काफी खुश होने लगी। वो एक के बाद एक पन्ने पलटती जा रही थी और ऋषभ ने काफी अलग अलग तरह के स्केचेस बनाए थे, कुछ जानवरों के स्केचेस तो कुछ पक्षियों के स्केचेस, और वहीं पर कुछ जगहों के भी स्केचेस थे, जैसे मंदिर का स्केच और ऋषभ के खुद के घर का स्केच। धरा उसमें बने हुए स्केचेस को देखकर बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि ऋषभ ने कई सारे स्केचेस बनाए थे जो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें बाकायदा प्रिंट किया गया हो। धरा ने उसके स्केचेस देखकर ऋषभ से कहा, वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा ऋषभ इतना ज्यादा टैलेंटेड है, वैसे तुमने ये स्केच बनाना कहां से सीखा? धरा इतना बोलकर आगे के पन्ने पलटती जा रही थी और तभी ऋषभ ने कहा, बस मुझे शौक था तो अपने आप ही बनाना आ गया, मैंने कहीं से भी कुछ सीखा नहीं है। ऋषभ की बात सुनकर धरा मुस्कुराने लगी और जैसे ही धरा ने आगे के कुछ पन्ने खोले, धरा ने उस बुक में बना हुआ एक स्केच देखा जिसे देखकर उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और धरा उसी स्केच पर रुककर ऋषभ की तरफ देखने लगी। ऋषभ धरा की तरफ देखकर बोला, इसीलिए मैं तुम्हें स्केचेस नहीं दिखा रहा था। ऋषभ इतना बोलकर चुप हो गया और उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। ऋषभ को इतना बोल अपनी नजरें नीचे झुकाते देखकर धरा एक टक उसको देखने लगी और उसने कुछ नहीं कहा। मिहिर के विला में आलिया अपने रूम से फ्रेश होकर बाहर निकली और उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो जैसे ही बाहर आई, मिहिर ने आलिया को बड़ी ही रिस्पेक्टफुली कुर्सी पर बिठाया और आलिया की प्लेट में अपने हाथों से खाना सर्व किया। आलिया मिहिर को खाना सर्व करते देख रही थी और फिर दोनों ने साथ में बैठकर डिनर किया। डिनर के बीच में ही मिहिर आलिया की तरफ देखकर बड़े प्यार से बोला, पता है आलिया, तुम नहीं थी तो विला इतना ज्यादा सूना लग रहा था कि क्या बताऊं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी घर में नहीं बल्कि किसी जंगल में रह रहा हूं, लेकिन अब तुम आ गई हो तो फिर से यह घर किसी घर जैसा लगने लगा है। आलिया ने मिहिर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा,
तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे काफी ज्यादा मिस किया है मिस्टर मिहिर। मिहिर ने हां में सिर हिलाया और आलिया का हाथ पकड़कर काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहा, आलिया मुझे नहीं लगता अब मैं और कभी भी तुम्हारे बिना इतने दिन रह पाऊंगा, चलो ना हम अब शादी कर लेते। आलिया ने जैसे ही मिहिर के मुंह से शादी की बात सुनी, आलिया खाते खाते रुक गई और उसने मिहिर की तरफ बड़ी हैरानी से देखा और तभी उसने आगे बोलना कंटिन्यू किया और कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं वाइफी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। इन कुछ दिनों में मुझे ये बात समझ में आ गई। मिहिर के मुंह से यह बात सुनकर आलिया काफी ज्यादा खुश हुई, लेकिन उसने अपनी खुशी छिपाते हुए उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। और जब मिहिर ने देखा कि आलिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है, तो उसने आलिया का हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज आलिया कुछ तो बोलो, मेरी बात का कुछ तो जवाब दो। मिहिर के इस तरह दोबारा पूछने पर आलिया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, क्या कहा मिहिर तुमने, शादी? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि हमें शादी करने का इतना बड़ा डिसीजन लेना चाहिए मिहिर। क्या होगा मिहिर का रिएक्शन आलिया के ना कहने पे? और धरा ने ऋषभ की स्केचबुक में किसका स्केच देखा है जिसे देखकर ऋषभ ने अपनी नजर नीचे झुका ली? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।